महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित एक फार्मेसी कॉलेज के स्टोरकीपर भास्कर खरभरी गायकवाड़ ने साल 2006 में अपने ही कॉलेज के कुछ आला अधिकारियों के खिलाफ एसटीएससी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। आरोपित अधिकारियों की दलील थी कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। इस पर कॉलेज ने आरोपितों पर कार्रवाई नहीं की। 10 साल बाद गायकवाड़ ने 2016 में फिर से एक नई FIR दर्ज करवाई। इस FIR में उन अधिकारियों के नाम भी शामिल थे जिन्होंने पहली शिकायत पर कार्रवाई नहीं की थी। इन कथित नामजद आरोपियों में से एक सुभाष काशीनाथ महाजन ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि उन लोगों पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। वहां से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एके गोयल की 2 सदस्यों वाली पीठ ने एसटीएससी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए जाने पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने इस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करने से पहले कुछ दिशा निर्देश तय कर दिए। कोर्ट की गाइडलाइंस इस तर्क पर बनी है कि एसटीएससी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। नई गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार है।